हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इसका जो नाम है वो है परमाणु तथा आयन। ओके, यानी परमाणु क्या है और आयन क्या है। ठीक है, आयन किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं, ये रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जानना आपको बेहद जरूरी है, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु यानी एटम। ओके, एटम। अब परमाणु तक हम कैसे पहुंचते हैं ये हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लोहा है, ये लोहे का एक टुकड़ा है। लोहा एक पदार्थ है। लोहा क्या है? पदार्थ है। ये जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से बना है। ये कण हमको दिखते नहीं है, इन छोटे कणों को बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? इनको अणु बोलते हैं। अणु फिर काहे के बने होते हैं? परमाणुओं के। ठीक है, तो हम पहुंच गए परमाणु तक यानी एटम तक पहुंच गए। तो अब देखिए, जब हम एटम तक पहुंच गए तो फिर देखते हैं एटम कैसे बनता है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के बनता है हमारा परमाणु। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा कि हम परमाणु और आयन क्यों पढ़ रहे हैं एक साथ। ठीक है, आयन भी परमाणुओं से ही बनते हैं, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, अंतर आप देखेंगे अभी आगे। अब हम अगर चर्चा करें कि वास्तव में परमाणु दिखता कैसा है, तो देखिए कुछ इस तरह का परमाणु होगा। इस प्रकार से, और बिल्कुल बीच में ये भाग सॉलिड होगा, ठोस होगा, और इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। तो इन तीनों कणों में से दो कण ये वाले यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ओके, और नाभिक के चारों ओर ये वाला कण चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य के चारों ओर तमाम ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होंगे, उसके चारों ओर एक विशेष कक्षाएं होती हैं। इन्हीं कक्षाओं में, इन्हीं रास्तों में, कक्षाएं कहें या मार्ग कहें या रास्ता कहें, तो इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में, और इलेक्ट्रॉन कहीं पर चक्कर नहीं लगाते हैं। तो ये जो पूरी संरचना है इसको कहते हैं परमाणु। ओके, अब ठीक बीच नाभिक से अंतिम कक्ष की जो ये दूरी होती है इसको कहते हैं परमाणु की त्रिज्या। क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ एटम। ओके, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि परमाणु और आयन क्या होते हैं, यानी आयन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी परमाणु में ये चीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? ये आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए
अगर किसी परमाणु में दो प्रोटॉन है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन भी जरूर होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो जब तक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है तब तक हम उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। और इसी में मान लीजिए जैसे ये दो, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है टोटल, वन और टू, ठीक है, ये दोनों एक ही कक्षा में होंगे, इधर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, दो प्रोटॉन होंगे। अगर चार इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, चार प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, परंतु जब कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाए तो उसे फिर परमाणु नहीं कहते हैं, उस परमाणु को फिर क्या कहते हैं, उस परमाणु को क्या कहते हैं हम, आयन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अगर किसी परमाणु में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गए, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए और प्रोटॉन कम हो जाए तो एक चीज और जान बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉनों पर क्या होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो मतलब ये होगा कि उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यानी उसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो इसमें ऋणात्मक जो है आवेश वो ज्यादा हो गया, तो ऐसे आयन को कहेंगे ऋण आयन। क्या कहेंगे, ऋण आयन। ओके, अब मान लीजिए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन अधिक हो जाए तब भी वो आयन ही कहलाएगा, परंतु प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे तो धन आवेश अधिक हो जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसे आयन को बोलेंगे धन आयन। क्या बोलेंगे, धन आयन। कब, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए और प्रोटॉन क्या हो जाए, अधिक हो जाए, समझे। तो आयन दो प्रकार के हुए, ये जो आयन हुए कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, पहला ऋण आयन और दूसरा धन आयन। क्लियर, तो परमाणु और आयन में अंतर क्लियर हो गया। परमाणु उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर हो, और आयन उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो या ज्यादा हो, किससे, प्रोटॉनों से, यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर ना हो, ऐसे परमाणु को हम परमाणु ना कह करके क्या पुकारेंगे, आयन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।